खींचो जोर के। अब मुझे मेरे घर की याद आ रही है बहुत। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आप लोग शबीर आज ब्लॉग में। तो गाइस, आज जुमा है, आप सभी को जुम्मा मुबारक। मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने फटाफट, ठीक है? चलो चलते हैं। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं जस्ट नमाज से आ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ चेंज करने फटाफट, क्योंकि टाइम हो चुका है ड्राइविंग जाने का, ड्राइविंग सीखने का। तो चलो चेंज करके निकलते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं फटाफट। ड्राइविंग का टाइम हो चुका है, वीडियो अपलोड नहीं हुई क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा है बहुत देर से। चलो गाइस चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के पहले चालू ऑन करो। चलो चलते हैं फटाफट, टाइम हो चुका है 3 बज गए। फाइनली मैं पहुंच गया हूं और मारवे रोड पे आज हैं हम लोग। आज मैंने चलाया मारवे, आज मारवे रोड पे गाड़ी चलाया हूं मस्त। अभी जा रहा हूं। चलो आज मज़ा आ गया ना भाई। हाँ, आज मैंने मारवे रोड पे गाड़ी चलाया, मारवे रोड पे 2 राउंड मारा हूँ। शफीक भाई ने जो है आज 4th दिन है शफीक भाई का, तो इन्होंने बहुत अच्छा चलाया गाड़ी, क्योंकि पहले जो अंदर अंदर चलाए थे इन्होंने। हाँ। लेकिन अभी मैंने मेन रोड पे लेके आया वो। हाँ। तो धीरे 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 भी इम्प्रूव हो रहे हैं ये, और इनको खुद पता चल रहा होगा कि कितना इम्प्रूव है। इसमें 4 दिन न्यूटन में मारा मस्त, पड़े के पूरा गाड़ी घुमाया बराबर, न्यूटन भी लिया आपने, गाड़ी रोड पे चलाया भी। आपको अभी समझ में आ रहा है, अभी धीरे 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 आपकी ये गाड़ी में चेंजेस आते जाएगा। हाँ। अभी 4 दिन में आपको जो है कुछ तो पता चला होगा, कैसा है कैसा है करके, तो हो जाएगा इंशाल्लाह जो है ना ये 10 दिन के अंदर जो है ना परफेक्टली आप गाड़ी चलाओगे इंशाल्लाह, और उसकी भी वीडियो बनाएंगे, तो आपके जो है ना जो चाहने वाले मेरे तरफ से सीखना चाहता है उनका नंबर मिलेगा, बट अभी नहीं, थोड़ा दिन बाद जब मैं अगर ऐसा भागाते हुए थोड़ा पास चलते हुए दिखाऊंगा तब, है कि नहीं? तो अभी तो डाल दूंगा तो लोग, आप लोग अभी से परेशान कर दोगे उनको। चलेगा पहले ये इनको शफीक भाई को सीखने दो, इस तरह से ये देखेंगे इनको खुद पता चल जाएगा, फिर उसके बाद में ये नंबर देंगे। हाँ, फिर उसके बाद में मैं गाड़ी सीखा। हाँ, मैं तो हूँ, ये तो है ये। हाँ, कहीं नहीं जाएगा, मैं तो मालूम नहीं 3 नंबर में रहता हूँ। हाँ, तो मैं इधर ही रहूंगा, इधर नहीं जा, मेरा काम ही है। चलो फिर चलते हैं अभी घर पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स की आप लोगों को जानकारी दे दूं हमेशा की तरह। तो इस बार मैं आप लोगों को बताने वाली हूं एक बहुत ही अच्छे सीरम और फेस वॉश के बारे में। जैसा कि आप लोग मेरा फेस देख ही सकते हो, मुझे बहुत सी जगह पे विदाउट मेकअप हूं मैं, मुझे कहीं कहीं बहुत सी जगह दाग धब्बे आए हुए, आप लोगों को दिख रहा रहेगा, और ये रियल है क्योंकि ये पिंपल्स की वजह से मुझे हुआ है, जिसे हम ब्लेमिशेस कहते हैं। तो ये चीज बहुत ही अजीब लगती है विदाउट मेकअप। तो आइए मैं दिखाती हूं आप लोगों को मामाअर्थ का न्यू प्रोडक्ट। मामाअर्थ की तरफ से जो मुझे प्रोडक्ट आया है वो है बाय बाय ब्लेमिश फेस वॉश और बाय बाय ब्लेमिश फेस सीरम। ये है विथ मलबेरी एंड विटामिन सी। जैसा कि आप जानते हैं मामाअर्थ प्रोडक्ट्स प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड्स होते हैं, ये हार्मफुल केमिकल फ्री और नेचुरल हैं। मामाअर्थ अब मामाअर्थ ऐप, मामाअर्थ वेबसाइट, अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पे भी अवेलेबल है। मामाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है, जहां से आप मामाअर्थ प्रोडक्ट्स बाय करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं इससे आपको फेस वॉश करके दिखाती हूं अपना। जो आप देख सकते हो मेरी स्किन पे बहुत सारे धब्बे आ गए हैं, बहुत ब्लेमिशेज हो गई है और मेरी स्किन बहुत डल हो गई है, तो मैं आपको दिखाती हूं इसका यूसेज। तो आज हम मामाअर्थ का बाय बाय ब्लेमिश फेस वॉश यूज करके अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करेंगे। मामाअर्थ के इस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स है, मलबेरी ब्लेमिश को रिड्यूस करता है और विटामिन सी स्किन टोन को एक सामान्य बनाए रखता है। दाग धब्बे और असामान्य होने की समस्या, चेहरे को गीला करें और फेस वॉश थोड़ी मात्रा में लगाएं और धीरे धीरे फिंगर का इस्तेमाल करके मालिश करें। उसके बाद चेहरे को अच्छी तरह वॉश कर लें और टैप टैप करके ड्राई कर लें। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा डार्कनेस कम हो गई, मेरे फेस की रेडनेस भी कम हो गई, जहाँ पे मेरे ब्लेमिशेस थे थोड़ा क्लियर हो गया पहले से मेरा फेस। फेस वॉश के बाद आपको आपके फेस पर मामाअर्थ का फेस सीरम यूज करना है इस तरीके से। कुछ बन सीरम की अपने फेस पे लगा के आप जेंटली मसाज करें। अगर आप परफेक्ट ब्लेमिश फ्री और इवन टोन ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो मामाअर्थ के इन प्रोडक्ट्स को आपको डेली 2 टाइम्स एक साथ यूज करना होगा। mamaearth.in पे आप मेरे द्वारा स्क्रीन पर दिए गए कोड को यूज करके 20% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। हर बार जब आप उनसे खरीदारी करते हैं तो आपके आदेश को वेबसाइट पर उस पेड़ से जोड़ देते हैं जो वो लगाते हैं। स्टिक जियोलोकेशन, फोटो और पेड़ की प्रजाति आपको भेजी जाएगी। मामाअर्थ अब सिर्फ
एप्स पे ही नहीं आपके नजदीकी स्टोर में भी अवेलेबल है, तो जल्दी से जाएं बाय कीजिए और हमें जरूर बताएं कैसा लगा। किधर जा रहा है? मुंबला। तू मेरे को ट्यूशन से लेके भी आ गया, ट्यूशन छोड़ा, ट्यूशन लेके आया फटाफट, फिर मैंने फ्रेश हुआ। हाँ कल नहीं आ पाऊंगा। तो फिर ट्यूशन में? हाँ कब बोला? आज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मम्मी के पास इसके मिलने के लिए, क्योंकि अभी कल उसको लेके आऊंगा तो फिर मैं। ठीक है चलो कल मिलते हैं, चलो मिलते हैं मुंबरा में गाइस, क्या बोलते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग, है कि नहीं पहुंचे कि नहीं, मजा आया कि नहीं, कैसा मजा आया अकेले बैठने। हाँ तो फाइनली हम लोग पहुँच गए एकदम आराम से। हमारा उमेर कितने दिन थे? अपने उमेर पढ़े नो ना, पढ़े नो पढ़े दस, चलो तो पहले खेलता रहता 200 और क्या करेगा, क्या बोलते हैं आप तो मिलो मजे में एकदम। तुम तो ड्रेस चेंज करके बैठे हुए, चलो The next day. तो अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम गाइस, नेक्स्ट डे व्लॉग कंटिन्यू। तो एक और सुबह मुमरा में, और आज जा रहे हैं जानू के ट्रीटमेंट के लिए। खैर अब मुझे मेरे घर की याद आ रही है बहुत, मेरे मुझू की, तो ये सब करा करके प्लीज मुझे मेरे घर ले चलो, समझे। तो आज जाएंगे हम घर, इनका ट्रीटमेंट हो जाए फिर निकलेंगे फटाफट घर के लिए। उमेर घर पे अपनी अब्बा के पास है, हाँ लास्ट बाकी था तो टाइम ही नहीं मिल रहा था पीआरपी कराने का, तो आज इनका पीआरपी होगा। तो पहुंच गए आप, मेरा कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह बहुत मोटी हुई यार, उठती रहती है हमेशा, शायद 5 मिनट बाद वो दिन बाद देख रहा हूं ना, तो इसलिए शायद चक्कर आ जाएगी। जानू ज्यादा मत देखो, तुम सुई मत देखो, आई चक्कर निकाल लो, इसलिए बहुत खून ज्यादा जमा हो, गंदा भी हो गया। पेट में से निकालना था मेरा, नस में से क्यों निकाले, थोड़ा सर में चर्बी जाएगी तो। देखो सर्टिफिकेट दिखाओ जरा इनका। हाँ है ना सर्टिफिकेट, कौन बोल रहा था सर्टिफिकेट? तो है ये मेरे नहीं है, मैम के, तुम्हारे थोड़ी, मैम के ही बोले जा रहे। अरे भार भर भर के डिग्रियां लती छोड़ दो, सर्टिफिकेट लगे सर। नहीं बहुत लोगों को आप के ना, इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये ट्रीटमेंट अच्छा है। मेरी डिग्री एक, चलो क्या वीडियो बना रहे हो तो पहले नहीं है ना, मेरी मेरी डिग्री पूछ रहा था कि मेरी उम्र इतना खून बनने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा नहीं, 10 ml ही आई है, 15-20 दिन में जाएगा। अच्छा मतलब गुस्सा रहा है तुम्हारे, तो इंजेक्शन हो रहा है, पीआरपी हो रही, पीआरपी मस्ती में। ये वेस्ट इंडीज मैच खेलते खेलते थक गया, आकर के बैठ के यहाँ काल एक नंबर बात बोली ना, आज भी कैसा बाल तो देखो तुम्हारा, मेरे को बाल देख के ज्यादा हंसी आ रही है तुम्हारे, एकदम मस्त भारी दिख रहे। खाओ खाओ खाओ, बिस्मिल्लाह करो, सुकून से खाओ, आराम से। और जानू का पॉलिशिंग हो रहा है, पॉलिशिंग, हाइड्रेटिंग फेशियल, हाइड्रेटिंग फेशियल में क्या बोलते जानू? हाँ वापस दिखाओ, हाँ इसमें वैसे भी मुंह नहीं खुलता, खोलो भी मत। आहो सो जाओ जानू, मस्त नहीं, सो जाओ थोड़ा देर ऐसे रखो इनके मुंह, पट्टी नहीं आ रही ना इनके ऊपर, वो रख देंगे बच्चे लोग का हलीफ, वही रखो इनके मुंह पे, इसको ट्रीटमेंट हो जाएगा एकदम बड़ा, एक न्यू सेक्शन होगा तुम्हारा,
समझे? ये देखो कितना बड़ा बोली ना मैंने, मुंह के हिसाब से बहुत बड़ा निकालना पड़ेगा, बीच में नाक का होल करना पड़ेगा इनके मुंह के हिसाब से। मम्मी बना रहे तुम्हारे को। हाँ नाक में नाक कट गई, कट गई नाक। मास्क अपने पास ही बना दिया। हाँ होममेड मास्क, स्पेशल मास्क है। इनका मुंह पहला बंद करना, बाकी सब बाद में है कि नहीं? मेरे बोलो तुम खुद मास्क बना दो। चुप बैठो, जरा मुंह बंद रखो, नहीं तो पट्टी मुंह में जाएगी तुम्हारे, फिर हिलेगी ना तो सेट करना पड़ता है। वो हुई करने लायक हो आप, करो करो जितना उंगली दिखाने का, अभी हुई करना है तुम्हारे को, बोल नहीं सकते। जानू कैसा लग रहा, मजा आया? पर तुम्हारे को मसाज ज्यादा टाइम नहीं दी निगार ने, मेरे को बहुत टाइम दी थी। मालूम और ऐसा फील हुआ कि नहीं, पत्थर पे हाथ घिस रहे जैसे, है ना? दिल टूट रहा है तुम्हारा, कौन तोड़ रहा है? ठंडी लग रही ना जानू तुम्हारे को, इसलिए आड़ा थोड़ा लेटे हो। मैं इसलिए चद्दर उद्दर लेके यहाँ पे मस्त लेटती हूँ। हो क्या हो गया? चुपके देख रही बेचारी। हो गया देखो मुंह पैक इनका, अभी कुछ बोल नहीं सकते। अब इनको कोई कुछ भी बोल कर जाए, नहीं बोल सकते ज्यादा, क्या अकल में भी नहीं खोल पाई। मुंह में ही लगाओ, अरे ऊपर का होटी नजर नहीं आ रहा जानू तुम्हारा, सिर्फ ऐसा लग रहा बस नीचे का है खाली, और मुच्छी दिख रही है, उसमें भी मुच्छी दिख रही है। हाँ बहुत मारूंगी, खट्टूस दूंगी तुम्हारे को, तुमको चाहिए फसली पे। रुको अभी सबसे पढ़वाती हूँ। सो गए थे बेचारे, चले इतना देर सोए तो हमको तो वो भी नहीं नसीब हुआ था। नहीं सोए या नहीं पता नहीं, मैं आवाज सुनी ना खर्राट हो। अल्लाह तौबा, अरे वो इधर दाढ़ी भी निकल के सीधा दाढ़ी में लगा। अरे बाप रे, अल्लाह अल्लाह, ओह माय गॉड, सेंटा क्लॉज आ गया दिसंबर से पहले। मजा आ गया, एकदम वैसे ही हंसे तुमने। लाओ लाओ गिफ्ट तो दो, सेंटा क्लॉज आया। तो खींचना ही पड़ेगा ना, खींचो जोर के। बैठ गई कोम से निकाल, नहीं नहीं खींचो जोर के, सब पकड़ा रख। अरे वाह, खींचो बंद करो, तेरा वो बनाया था क्या? रेम्बो लाइट लेना, रेम्बो लाइट। मैं तो कल रेम्बो लाइट, मुझे तो ना उंगली दिखाने का, तुम्हारे सब हरकत दिखाऊंगी देखना तू। अभी अभी बराबर दिख रहा है तुम्हारे को, मतलब सही नहीं है। ये कितना है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ तो फिर ठीक है, बराबर दिख रहा है तुम्हारे को। क्या हुआ, ब्लैक मूवी याद आ रही क्या तुम्हारे को? आज लगता है बरसात गिरने वाली है। हाँ इधर जीनत खड़ी है ना कुर्सी के पास। वाह वाह वाह, क्या अंदाजा है यार आपका। ले लिए, अल्ले के घर जाना, काम आएगा तुम्हारे। लगता है बर्फ पड़ने वाली है, तुम्हारे बर्फ सीधा गर्मी होगी। चश्मों में लेके जाके फ्रिज में ना रहता ना, पर देखेंगे कुछ भी नहीं। अंधेरा उजाला चार बूंद वाला, अभी नया उजाला तीन बूंद वाला हो गया। तीन बूंद, तीन बूंद नहीं दो बूंद। बचपन में पोलियो नहीं पीते ना, तीन बूंद वाला। दो बूंद जिंदगी, दो बूंद पिए हमने, तीन नहीं पिए।
तभी इनकी आवाज अभी बैठ गई। तीन हो गए क्या अभी? तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और जा रहे हैं, अभी निकल चुके हैं। बाल बनाया? हाँ बनाया। चलो अम्मी आते हैं। अम्मी अब्बा तुम लोग तो आओ मुमरा। ओ मालूम नहीं चलो अब्बा। अरे लग गया लग गया लग गया लग गया। चलो मैं चप्पल पहने बैठा, चप्पल पहने फटाफट। ए इरम, ए इरम हाय तो बोल। शर्मा रही है कहाँ है शर्मा? तबियत सही नहीं है। तो गाय तो मेरे को जल्दी जल्दी जाते था, ट्यूशन लेके जा रहे हैं हम लोग, और यहाँ हमारी दोस्त भी जा रही है आगे। देखो धीरे धीरे येलो येलो ड्रेस पहनी है। कौन आया है? सलाम करो अमरीन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? तुम बोलो। तो कैसे हैं आप? तो कैसे हैं आप? वेलकम हो गया। वेलकम आप लोग का आसिफा ब्लॉग में। हाँ तुम बोलो। खिड़की खुली जला। अरे खिड़की तो देखो, दांत दिखा। कहाँ गए थे दांत? कहाँ चले गए? जा रहे तुम लोग? हाँ हाँ बराबर। ले ले जरा पप्पी दे मेरे। बेटा चल पप्पी दे मेरे। गाड़ी सी तुमको याली? हाँ एक लेके जाओ, एक लेके जाओ, चलाओ जाओ। अरे मेरा बच्चा। कौन सी गाड़ी थी? सर फूटा तो दिमाग है ना? नहीं दिमाग गिर गया। अरे पड़ती है कि नहीं दिमाग? अंगनवाड़ी में। अंगनवाड़ी में कौन पढ़ता है? अंगनवाड़ी में कौन पढ़ता है? वो अंगनवाड़ी में ना, तो पहली में ना, है ना? पहली में रहे? मेरी बेटी अच्छा पढ़ेगी। ये पिक्चर देखो, बहुत भारी पिक्चर है, हम लोग देख रहे हैं। ये देखो बहुत ही भारी, इतनी भारी पिक्चर है नेटफ्लिक्स पे। ये देखो ये पैर से टूटता है, देखो ये देखो। तो गाइस हम आ चुके हैं घर पे। बहुत दिख रही है मैं, देखो मुझे 24 घंटे बाद फेस वॉश करना था। देखो अभी फेस वॉश करी तो उस सबसे डार्क कलर करके कुछ फायदा नहीं। तुम भी अभी 24 घंटे तक डार्क ही दिखोगे। सेम ट्रीटमेंट हुआ मेरा भी, कल चेहरा ऐसे ही लग रहा था। अच्छा। नहीं मालूम पड़ेगा जब तक धोओगे नहीं ना। अच्छा तो थोड़ा कराना पड़ता है, क्योंकि गाइस बहुत दिन से मैंने कुछ करवाया नहीं था मेरे चेहरे पे। तुम्हारा लाल कलर क्या है ना, थोड़ा डार्क से, वो डार्क सेल्स तो हाई गए, धूल मिट्टी से। और मैंने मेरे नाक पे ना कील वगैरह बहुत हो जाती है, नोज पे हो जाती है। अभी तो कितना क्लीन हो गया चेहरा, कोई बोलेगा बाप रे माशाल्लाह नजर नहीं आती। अल्लाह। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। और उमेर सो चुका है, बहुत अच्छा लगा यार ना? घर पे आके बहुत अच्छा लगा। कहीं भी जाओ कुछ भी हो, शादी के बाद कैसा हो जाता है ना, सुकून अपने घर में मिलता है। हाँ। ना पर अम्मी अब्बा के यहाँ बहुत अच्छा लगा, अम्मी अब्बा के साथ। चले ऊपर नींद नहीं आई गई ऐसा कुछ भी नहीं, लाइट मुंह पे मारे दिया अभी भाई। अभी कैसा हो गया, अपन अंधेरे में सोते ना अपने घर में, अपन हम लोग के साथ नाइट बल्ब भी लगाते हैं। मेरे अब्बा के घर में नाइट बल्ब है, तो वो नाइट बल्ब मेरे को ऐसा लगे ऊपर है जैसे। तो खैर कोई नहीं, पर मजा बहुत आया अम्मी अब्बा के साथ। खाली दिन भर बिस्तर गर्म करी, गद्दा गर्म करी, लेट लेट के चद्दर ओढ़ के। अच्छा है ना, बाद में लोग को सेकने काम आएगा गर्म करी तो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारा व्लॉग देखते रहिए। ठीक है तो मुमरा में हमारे बहुत सारे चाहने वाले मिले, फैमिली लोग, बहुत थैंक यू सो मच आप लोग, इतना मिले बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मिले माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं भी दी, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। और इंडिया जीत चुकी है, चलो बाय बाय।